हेलो नमस्ते, वेलकम टू साइंसिया ब्रेनरी। हम सभी जानते हैं जो हमारी स्टेपल क्रॉप्स हैं, राइस, बीट, मेज एंड पोटैटो। तो ये जो चार क्रॉप्स हैं, दीज आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो ये इनको जो स्टेपल क्रॉप्स कहा जाता है क्योंकि ये चीफ सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट हैं ग्लोबली। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट द फादर ऑफ हाइब्रिड राइस। तो हु गेव द हाइब्रिड राइस टेक्नोलॉजी, सबसे पहले किसने दी, एंड विच पर्सन इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ हाइब्रिड राइस, एंड वाई ही इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ हाइब्रिड राइस, क्यों कहा जाता है उनको, और उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है वर्ल्ड के लिए, हाउ ही पुट्स एन एंड टू हंगर। तो यू कैन सी दैट मिस्टर युआन लॉन्गपिंग, ठीक है, युआन लॉन्गपिंग, तो ही इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ हाइब्रिड राइस, हु इज ए चाइनीज एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट, जो एक चाइनीज एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट थे, एंड रिसेंटली एक्चुअली ऑन दिस टुडे ओनली ही डाइड एट द एज ऑफ 91। बट अपनी पूरे लाइफ टाइम में इन्होंने ही कंट्रीब्यूटेड सो मच फॉर फीडिंग द वर्ल्ड, टू मेक द वर्ल्ड सस्टेनेबल इन द फूड प्रोडक्शन, स्पेशली इन द राइस। तो इन्होंने अपनी पूरी लाइफ में, मतलब जो राइस ब्रीडिंग के लिए बहुत कंट्रीब्यूशन किया है, और इनकी कंट्रीब्यूशन के लिए ही इनको जो है फादर ऑफ हाइब्रिड राइस कहा जाता है, क्योंकि ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने सबसे पहले हाइब्रिड राइस टेक्नोलॉजी दी थी। ओके, तो आप देख सकते हैं कि जो मिस्टर युआन है, तो इनकी कंट्रीब्यूशन के लिए 2004 में, ठीक है, इनको ही शेयर द वर्ल्ड फूड प्राइज विथ डॉक्टर मोंटी जॉन्स के साथ, ठीक है। तो 2004 में इनकी जो कंट्रीब्यूशन के लिए, दैट टाइम ही वॉज मीन्स 78 ईयर्स ओल्ड ड्यूरिंग दैट टाइम। तो 2004 में जो मिस्टर युआन लॉन्गपिंग है, इनको डॉक्टर मोंटी जॉन के साथ, इन दोनों ने जो है वर्ल्ड फूड प्राइज शेयर किया था 2004 का, ठीक है। तो जो मिस्टर युआन है, हु इज सेलिब्रेटेड एज द फादर ऑफ हाइब्रिड राइस इन चाइना, तो जो मोंटी जॉन्स है, जो डॉक्टर मोंटी जॉन्स है, ही वाज आल्सो ए राइस ब्रीडर थे, जो कि जो अफ्रीकन कंट्रीज में एज ए राइस ब्रीडर काम कर रहे थे, ठीक है, इन्होंने का भी बहुत कंट्रीब्यूशन किया। और जो युआन लॉन्गपिंग है, हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ हाइब्रिड राइस, ही डिस्कवर्ड एक्चुअली ए जेनेटिक फिनोमिनन इन द राइस एंड देन डेवलप्ड द टेक्नोलॉजीज विच आर एसेंशियल फॉर ब्रीडिंग द फर्स्ट हाइब्रिड राइस वैरायटी। तो हम कह सकते हैं कि तो फर्स्ट हाइब्रिड राइस वैरायटी जो है, दैट वॉज डेवलप्ड बाय मिस्टर युआन लॉन्गपिंग। तो हम कह सकते हैं कि जो हाइब्रिड राइस टेक्नोलॉजी थी वर्ल्ड में सबसे पहले, वो इन्होंने दी थी। तो इनके कंट्रीब्यूशन के लिए ही इनको जो है फादर ऑफ हाइब्रिड राइस कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं कि जो युआन लॉन्गपिंग हैं, उन्होंने अपनी रिसर्च टीम के साथ बहुत सारी कंट्रीज में विजिट किया, ट्रैवल किया कंसल्टेंसी देने के लिए, जैसे कि इंडिया, वियतनाम, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड इवन द यूनाइटेड स्टेट्स में। और अपनी जो विजिट के दौरान इन्होंने बहुत सारे साइंटिस्टों को वहाँ पे इन डिफरेंट कंट्रीज में एडवाइस दी, कंसल्टेशन दी, एंड ही ट्रेंड ओवर मोर देन 3000 साइंटिस्ट ऑफ 50 कंट्रीज। तो इनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था, सो दैट द साइंटिस्ट कैन वर्क आउट मीन्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द हाइब्रिड राइस वैराइटीज टू फीड द ग्रोइंग डिमांड ऑफ फूड्स इन द ईरा ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो आप देख सकते हैं कि इनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था। ऐसा नहीं है कि इन्होंने अपनी जो रिसर्च थी उसको शेयर भी किया, लोगों को ट्रेन किया, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में जाके साइंटिस्टों को ट्रेन भी किया इन्होंने। तो इनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था। तो अगर हम इनके जो मेन कंट्रीब्यूशन की बात करें, तो हम देख सकते हैं कि ड्यूरिंग 1960 का टाइम था। आप सभी ने माओ जेडुंग के बारे में तो सुना ही होगा, ठीक है। तो माओ जेडुंग की जो पॉलिसी थी, जब चाइना के जो पॉलिसी थी उनकी, तो उनकी पॉलिसीज के कारण जो है, मतलब दिस इज आल्सो रिगार्डेड एज अ ग्रेट लीप फॉरवर्ड। तो एक्चुअली जो माओ जेडुंग की पॉलिसीज थी ना उस टाइम जो चाइना में, तो उसकी वजह से चाइना में एक तरह से फेमाइन की सिचुएशन आ गई थी। जो एग्रीकल्चर सिस्टम है चाइना का, वो पूरी तरह से डिवास्ट हो चुका था, और विच लेड टू द फेमाइन एंड डेथ ऑफ द मिलियंस ऑफ पीपल इन चाइना, क्योंकि माओ जेडुंग की पॉलिसीज के कारण ये सब कुछ हुआ था। क्योंकि इन्होंने आपको याद होगा कि एक ये भी कैंपेन भी चलाया था माओ जेडुंग ने, कि जो चिड़िया होती है उसको मार दो, मतलब ठीक है, जो गुराया चिड़िया होती है स्पेशली, मतलब क्योंकि वो कीट पतंगों को खाती है। तो उन्होंने बोला कि ये हमारे क्रॉप्स को जो है वो नुकसान पहुंचाती है, बट उससे क्या वो इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ गया। बट एनीवे इनकी पॉलिसीज ऐसी रही जी माओ जेडुंग की, कि जिसके कारण जो एग्रीकल्चर सिस्टम है जो चाइना का, वो पूरी तरह से डिवास्टेट हो गया था, मतलब पूरी तरह एक तरह से अकाल आ गया, और बहुत सारे मिलियंस ऑफ पीपल जो वो चाइना में मर गए। तो उस टाइम जो 1960 में जो युआन लॉन्गपिंग थे, ही वॉज 30 ईयर्स ओल्ड,
और इस चीज ने उनको बहुत ही ज्यादा मतलब बहुत ही ज्यादा उनको इस तरह इस चीज ने इम्पैक्ट किया, और डेफिनेटली एट दैट टाइम ही डिसाइडेड टू डू समथिंग फॉर द कंट्री, फॉर द पुअर पीपल एंड फॉर द फार्मर्स। तो उस टाइम उन्होंने डिसाइड किया दैट ही शुड कंट्रीब्यूट समथिंग। तो ही सेड दैट कि समथिंग एज स्मॉल एज ग्रेन दैट कैन सेव ए कंट्री व्हाइल इट कैन आल्सो मेक ए कंट्री फॉल। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण हम कह सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कोट थी उनकी, ये स्टेटमेंट थी डैट समथिंग एक छोटी सी ग्रेन का कितना साइज का होता है सीड का ग्रेन का, तो डैट कैन सेव ए कंट्री आल्सो इजंट इट। और ये छोटा सा ग्रेन ही अगर हम इसको अगर पूरे एग्रीकल्चर सिस्टम को डिवास्टेड करेंगे तो डैट कैन मेक ए कंट्री फॉल। तो दिस वॉज ए क्वाइट ए हमको बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट था इनका। एंड जो राइस एक्सपेरिमेंट की बात करें तो एक्चुअली उस टाइम में ये कहा जाता था कि जो एक्चुअली हिट्रोसिस एक फिनोमिनन होता है, ठीक है, एग्रीकल्चर जो स्टूडेंट्स हैं उनको तो अच्छी तरह से पता होगा जो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के हैं, तो हिट्रोसिस एक फिनोमिनन होता है, मीन्स की हिट्रोसिस मीन्स की जिसमें कि जो जब हम दो वैराइटीज को डिफरेंट पेरेंट्स को जब हम क्रॉस करते हैं और जो हाइब्रिड जो प्रोजनी आती है, तो हिट्रोसिस में जो हाइब्रिड प्रोजनी होती है डैट बिहेव बेटर देन आइदर ऑफ द पेरेंट, ठीक है, फॉर द यील्ड और अदर करेक्टर्स के लिए। तो मतलब जो आप देख सकते हैं जैसे कि मान लो एक पेरेंट ए है एक पेरेंट बाई है, तो जो हाइब्रिड होगा तो वो सुपीरियर दिखेगा आपको, ठीक है, तो उसकी जो यील्ड होगी या दूसरे करेक्टर्स के लिए सुपीरियर दिखेगा अगर मैं सिंपल टर्म में बोलूँ तो बात करूँ तो उस टाइम ये कंक्लूड किया जाता है कि जो हिट्रोसिस फिनोमेनन है, जो क्लासिकल जेनेटिसिस्ट थे वो कंक्लूड करते थे कि जो हिट्रोसिस फिनोमेनन है डेट मीन्स विच इज द प्रोजनी ऑफ टू डिस्टिंक्टली डिफरेंट पेरेंट्स डेट ग्रो फास्टर यील्ड मोर, ओके, एंड व्हाट दिस फिनोमेनन इज नॉट पॉसिबल इन द सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप। उस टाइम ये क्लासिकल जेनेटिसिस्ट माना जाता था, बट जो युआन लोंगपिंग थे तो क्योंकि राइस जो है वो डेट इज ए सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप होती है राइस जो है, ठीक है, तो ही बिलीव डेट इट वॉज पॉसिबल विद द राइस आल्सो, एंड लेटर ऑन ही पब्लिश्ड हिज फाइंडिंग्स इन 1964 में। तो उन्होंने अपनी जो रिसर्च किया उसके बाद उन्होंने ही मेड इट पॉसिबल एक्चुअली, एंड देन 1964 में ही पब्लिश्ड हिज फाइंडिंग्स। तो आप देख सकते हैं कि आफ्टर द 9 years ऑफ हार्ड वर्क के बाद उन्होंने ही रिलीज्ड द वर्ल्ड की फर्स्ट हाइब्रिड राइस वैरायटी डेट इज NANU No. 2। तो दिस इज द वर्ल्ड फर्स्ट हाइब्रिड राइस वैरायटी That is released by Mr. Yuan Longping, the world. तो हम कह सकते हैं कि this was the time when he gave the world the hybrid rice technology. So it due to heterosis phenomenon की वजह से जो yield थी that boosted 20% ज़्यादा yield मिली जो कि previous varieties थी उनसे। तो एक बार तरह से इस variety का 20% higher yield मिला जो previous varieties थी, ठीक है। तो यू कैन सी दैट एक वैरायटी डेवलप करने में एक प्लांट ब्रीडर को 8 से 10 साल लग जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो आप लोग फूड ग्रेन्स खाते हैं, आप लोग अभी बासमती राइस कंज्यूम कर रहे हैं, अभी डिफरेंट राइस की और भी क्रॉप्स की वैराइटीज कंज्यूम कर रहे हैं, तो दिस इज द हार्ड वर्क ऑफ साइंटिस्ट एंड फार्मर्स, ठीक है, दोनों के हार्ड वर्क की वजह से मतलब धूप में जलना पड़ता है, ठीक है, तभी आप जो है आराम से जो बड़े बड़े लोग हैं आराम से अपनी सोने की थालियों में जो खाना खा पा रहे हैं, ठीक है। तो रिस्पेक्ट द साइंटिस्ट, रिस्पेक्ट द फार्मर्स। सो विद दिस आई वुड लाइक टू एंड टुडेज लेक्चर। आई होप आपको you might have known something, आपको कुछ जानने को मिलेगा। तो विद दिस आई विल से थैंक यू वेरी मच, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे सेफ।